गुजरात में आयोजित फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट इन्फोसिटी फोरम 2.0 को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा महामारी के दौरान भारत प्रोग्रेस का शानदार उदाहरण बनकर उभरा। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। मोदी ने लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। झारखंड में कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ मिले, नोट गिनने में दो दिन और लगेंगे। 6 छोटी और 6 बड़ी मशीनों से हो रही है गिनती। आईएसआईएस साजिश में महाराष्ट्र कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी, 40 से ज्यादा जगहों पर तलाशी, महाराष्ट्र में 13 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। बीजेपी विधायक टी राजा बोले, जब तक जिंदा हूं उनके सामने शपथ नहीं लूंगा। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक कल, लेकिन जेपी नड्डा आज इनसे बातचीत करेंगे। बालकनाथ बोले, मेरे बारे में लगाए जा रहे कयास नजरअंदाज करें। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। कल रायपुर में मीटिंग में रहेंगे बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर, इसके बाद होगा ऐलान। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन, आज इसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल पीएम मोदी ने किया था इनॉग्रेशन। एमपी में हार पर कांग्रेस का आत्ममंथन, खड़गे राहुल गांधी के सामने नेताओं ने रखी अपनी बात, जल्द होगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। राजस्थान का नया सीएम 10 दिसंबर को तय होगा। पर्यवेक्षक नियुक्ति होने के बाद नड्डा से मिले राजनाथ सिंह, प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने भी की मुलाकात। राम मंदिर को लेकर अमेरिका में आयोजित होगा वेबिनार, 5 भाग में दिखाए जाएंगे 5000 साल के संघर्ष। इस वेबिनार सीरीज का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका और हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका द्वारा कराया जा रहा। ब्रिटेन के पीएम सुनक के इस्तीफे का खतरा बढ़ा। प्रवासी मुद्दे पर 3 बड़े नेता बागी। अवैध प्रवासियों से जुड़े बिल पर 12 दिसंबर को होगी वोटिंग। इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गजा में फिलिस्तीनी लोगों को घेरा। संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, कहा सहायता अभियान खराब हो गया है। 71 वर्षीय पुतिन ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने नाम की घोषणा की। चुनाव में पुतिन की जीत तय, अधिकांश विपक्षी हस्तियों को जेल में डाला। रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 15-17 मार्च को होगा। कनाडा ने दोगुना किया इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड। नए साल से 6.20 लाख रुपए ज्यादा जमा कराने होंगे। 1.50 लाख पंजाबी युवा होंगे प्रभावित। यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ी। अब अस्पताल और स्कूल कॉलेज में 5 लाख तक कर सकेंगे यूपीआई से भुगतान। शक्तिकांत दास ने कहा कि समय समय पर होती रहती है यूपीआई लेन देन सीमा की समीक्षा। अबूधाबी की T10 लीग में हैदराबाद के खिलाड़ी ने किया बड़ा कारनामा। अब अबूधाबी लीग में अकील हुसैन ने हैट्रिक और 5 विकेट लिए, रिकॉर्ड बुक में मची उथल पुथल। विमेंस प्रीमियर लीग के लिए आज होगा ऑक्शन, खिलाड़ियों पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए। 5 टीमें करीब 30 खिलाड़ियों पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगी। सोशल मीडिया पर छाई एनिमल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, बीते 7 दिनों में इंस्टाग्राम पर 7 लाख से बढ़कर 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हुए। विकी कटरीना की शादी के हो गए 2 साल पूरे। विकी ने कहा, मैंने कटरीना को पंजाबी गाना गाने के लिए मना किया।